बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों आज अडोब फोटोशॉप में एक नेट ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको अडोब फोटोशॉप में बुक का जो ये कवर है ये बनाना सिखाऊंगा। देखिए ये बुक है, ये दूसरी सिंपल सादी सी बुक है, इसके ऊपर ये देखें मैंने ये टेक्स्ट बनाया। ये मैं आपको सिखाता हूँ, ये बहुत ईजी सी टेक्निक है, तो शुरू करते हैं। इसमें क्लोज कर लेता हूँ, सॉरी। इसके लिए आपको एक बुक की ज़रूरत होगी, जैसे कैसे भी आपके पास होगी, या गूगल से आप कोई भी डाउनलोड करते हैं। ये मैंने एक की है, ये मेरे पास पड़ी हुई है। इसका हमने अब इसके ऊपर एक टाइटल बनाना है, इसका जो फ्रंट का ऊपर वाला। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक रेक्टेंगुलर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट कर लिया। जो भी कलर आप इसका रखना चाहें, जैसा भी आपकी बुक का कलर है या मैचिंग आप करना चाहते हैं, अगर आप बुक के कलर के साथ इसे मैच करना चाहते हैं तो इधर से आप इसे सेलेक्ट कर लें, इसे ओपन करते हैं और इसके ऊपर आप रख के बुक के ऊपर जो भी कलर आपको इसका अच्छा लगता है वो आप चूज कर लें, ओके कर दें। ओके करने के बाद आप इसमें इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सेम वैसे बन जाएगा। इसकी आप कॉपी बना लें, कॉपी बनाने के बाद आप कंट्रोल टी करें, कंट्रोल टी करने के बाद शिफ्ट और आर्ट को प्रेस रखें और देखें इसका साइज हो रहा है। इसे ला के आप यहाँ छोड़ दें। छोड़ने के बाद आप क्या काम करें कि जो इस सेंटर वाला है इसका जो भी आप कलर रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसे ये कलर दे दें, क्या ये इसका सेंटर से होगा। अब आपने क्या काम करना कि ये नीचे वाले फिर सेलेक्ट कर लें, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लें और डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद आप कंट्रोल टी करें और इसे छोटा कर दें, इसे मेरे को छोटा करना, ऊपर वाले को छोटा कर, इसे कंट्रोल टी शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस रखना हमने और ये बन गया। अब हमने क्या है इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट जो भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ लिख सकता हूँ ग्राफिक मास्टर, ग्राफिक मैंने सॉरी ये स्मॉल लिखा, मैंने कैपिटल कर रहा हूँ, ग्राफिक मैंने लिख दिया यहाँ पर। और जो इसका फॉन्ट को अच्छा सा आप चूज कर लें, ये ठीक है। इसे मैं साइज कर लेता हूँ, मैंने ग्राफिक दी है, इसके नीचे मास्टर कर देता हूँ और इसे भी कंट्रोल टी करके साइज कर लेता हूँ। और इसे जैसे अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ पर लाइन टूल पड़ा हुआ, आप लाइन टूल को सेलेक्ट करें और इसके नीचे यहाँ पर ला कर छोड़ दें। यह आपकी एक लाइन लग गई, यहाँ पर आपकी
दूसरी लाइन लगा दें। उसके बाद लिखते हैं आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं और भी बुक ऑफ ग्राफिक आर्ट कंट्रोल टी और इसे साइज कर लें। यहाँ पर आप इसे रखते हैं अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद अब आपने क्या काम करना है कि इन सब को जो है मर्क कर लें, जितने विजिबल हैं वो सब मर्क कर लें। मर्क करने के बाद अब आपका दूसरा काम क्या है कि आपने यहाँ से ये मैजिक टूल जो है ये वाला इसे आपने सेलेक्ट कर लेना और ये जितने भी आपके ये फॉन्ट हैं इन सब को आप सेलेक्ट कर लें। अच्छा उसके बाद इन सब को सेलेक्ट कर लें, इसे थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको साफ नजर आता रहे। और ये जो लाइन है इनकी और हमने डिलीट कर दें। ये आपकी बुक का इसके ऊपर आप इसे स्विच करते हैं कंट्रोल टी करें और रोटेट कर लें और स्कीप करके जिधर जिधर आपने इसे सेट करना है जिधर सेट हो गया। उसके बाद आप इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करें FX और ब्लेंड के ऑप्शन, यहाँ से आप इसे ये बीवल वाले जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ये देखें थोड़ी सी उसकी ओपेसिटी इस हिसाब से कर दें कि नीचे वाली जो बुक है वो उसके साथ मर्ज हो जाए। उसके अलावा स्टेन में आ गए, यहाँ से आप इसे सॉफ्ट लाइट ठीक है ड्रॉप शैडो में आ गए वाइट ही कर दें।
का थोड़ा सा डिस्टेंस, ब्राइटनेस, साइज और दोस्तों ये आपकी ई बुक का टाइटल कंप्लीट हो चुका है। कितना इजी था ये आपने देख लिया, देखें। आई होप आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।